आपने जुरैसिक पार्क की सीरीज तो देखी ही होंगी, लेकिन आपने इन दोनों डायनासोर्स के बीच में फाइट नहीं देखी होंगी। हम बात कर रहे हैं जुरैसिक पार्क की सीरीज के सबसे इंटेलिजेंट डायनासोर वेलोसिराप्टर की और सबसे स्कैरियस्ट डायनासोर डायलोफोसोरस की। अगर इन दोनों में फाइट होंगी तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। डायलोफोसोरस की हाइट होती है 4.3 फीट, लेंथ 11 फीट, और वेलोसिरैप्टर की हाइट होती है 5.6 फीट और लेंथ 4 मीटर। अगर हम दोनों की स्पीड की बात कर ले तो डायलोफोसोरस की स्पीड होती है 38 किलोमीटर पर आवर। अगर हम वेलोसिरैप्टर की स्पीड की बात कर ले तो एक वेलोसिराप्टर की स्पीड होती है 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। अगर उसे खुली जगह मिल जाए तो उसकी स्पीड हो जाएंगी 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम दोनों की बाइट फोर्स के ऊपर ध्यान दें तो दोनों की बाइट फोर्स लगभग सेम ही है। एक वेलोसिराप्टर के पास होते हैं नुकीले क्लोज और नुकीले दांत, जिससे वो किसी को भी चीर फाड़ के रख सकता है, और गजब की स्ट्रेंथ। और डायलोफोसोरस के पास होता है वेनम, जिससे वो किसी को भी अंधा बना सकता है और उसको उसके आंखों में जलन पहुंचा सकता है। और डायलोफोसोरस के पास है नुकीले क्लोज और दांत। अगर डायलोफोसोरस और वेलोसिराप्टर में कभी आमना सामना हुआ, अगर वो फाइट घने जंगलों में हुई तो डायलोफोसोरस वेलोसिराप्टर पर भारी पड़ सकता है। अगर वो फाइट खुले मैदानों में हुई तो वेलोसिराप्टर डायलोफोसोरस पर भारी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है दोनों एक ही बराबरी है, कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। तो आपके हिसाब से आपका विनर कौन है वो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि अगला फाइट वीडियो किस पे लाओ, किस डायनासोर फाइट पे लाओ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ और एक नए वीडियो में।